जी वो तो सबसे पहली बात, वो जो सर फिरा आदमी है उसने तो यहाँ पे संभाजी नगर में पैर ही नहीं रखना, और अगर वो उसका तो प्रोग्राम होने ही नहीं देने वाले हैं हम, और अगर फिर भी उसका प्रोग्राम यहाँ पे होता है तो हम उसको यहाँ पे उसके मुंह को हम कालिक लगाने वाले हैं, और यहाँ से हम उसको मतलब विरोध करने वाले हैं। देता है और इसकी हालत, इस देश की जो हालत है उसके जो सवाल है आज के, मणिपुर होगा महंगाई होगी, इससे ड्राइवर्ट करने के लिए ये जानबूझकर सरकार की साजिश है कि ऐसे विषयों पर ये सामने आए और वो सवाल उसके पीछे रहे। लेकिन संभाजी भिड़े को हम इस माध्यम से आह्वान करते हैं, उसको चेतावनी देते हैं कि देश से लेकर शहर तक हर पल की खबर, शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क। आज सावता परिषद के वकील से मनोरुग्ण संभाजी भिड़े, इन्होंने जो वाचाल वाक्य ये महान थोर पुरुष के बारे में कहा है, उनके निषेधार्थ आज सावता परिषद औरंगाबाद के तरफे हम निषेध, उनका निषेध व्यक्त करने के लिए यहाँ पर सब निषेध कर रहे हैं। और ये भिड़े जो मनोरुग्ण है, इनकी लायकी नहीं है, कभी भी वो थोर महापुरुष के बारे में ऐसी अपशब्द यूज कर रहे है, उनके बारे में उनके ऊपर देशद्रोही का गुनाह दाखिल हो, यही हम चाहते, इसलिए आज हम यहाँ पे क्रांति चौक पे निदर्शन कर रहे हैं।
जी वो तो सबसे पहली बात, वो जो सरफिरा आदमी है उसने तो यहाँ पे संभाजी नगर में पैर ही नहीं रखना, और अगर वो उसका तो प्रोग्राम होने ही नहीं देने वाले हैं हम, और अगर फिर भी उसका प्रोग्राम यहाँ पे होता है तो हम उसको यहाँ पे उसके मुंह को हम कालिक लगाने वाले हैं, और यहाँ से हम उसको मतलब विरोध करने वाले हैं कल आने के बाद। ऐसा है कि आज औरंगाबाद में हम लोग सावता परिषद के वजह तरफ से, और जो फूले प्रेमी है और जो देश प्रेमी जनता है उन सब का प्रतिनिधित्व करते हुए हम इस संभाजी भिड़े का हम निषेध व्यक्त कर रहे हैं। इसको हमने बार बार और कई बार इस तरह का हमने देखा है कि ये आदमी जानबूझकर ऐसे स्टेटमेंट देता है, और इसकी हालत, इस देश की जो हालत है उसके जो सवालात है आज के, मणिपुर होगा महंगाई होगी, इससे डाइवर्ट करने के लिए ये जानबूझकर सरकार की साजिश है कि ऐसे विषयों पर ये सामने आए और वो सवाल उसके पीछे रहे। लेकिन संभाजी भिड़े को हम इस माध्यम से आह्वान करते हैं, उसको चेतावनी देते हैं कि आज के बाद अगर उसने ऐसे किसी महापुरुष के बारे में बोला तो उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके लिए कल आप वहाँ आइए, आपको समझ में आएगा कि क्या किस तरह से उसका लोकशाही मार्ग से उसका निषेध किया जाएगा।